देश के सबसे बड़े और राजधानी दिल्ली में बने सबसे बड़े अस्पताल एम्स में बुधवार को एक दिवसीय भव्य मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का आयोजन सुबह 8 बजे से शुरू हुआ और देर रात 8 बजे तक चला। शुरुआती दौड़ में ही देश के सैकड़ों जवानों ने इस ब्लड डोनेशन कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स, जहां एम्स ब्लड बैंक की ओर से एक दिवसीय भव्य मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजित किया गया। इस एक दिवसीय ब्लड डोनेशन कैंप की शुरुआत सुबह 8 बजे हुई। कैंप शुरू होते ही यहां मौजूद सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनडीआरएफ और पैरामिलिट्री फोर्स के हजारों की संख्या में लगातार पहुंचे जवान अपना ब्लड डोनेट करना शुरू कर दिए। इस मेगा ब्लड डोनेशन कैंप में अपना ब्लड डोनेट करने वालों को एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने सभी जवान और आम लोगों को सर्टिफिकेट दिए। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रक्तदान ही सबसे बड़ा महादान है और हमें जरूरतमंद लोगों के लिए रक्तदान अवश्य करना चाहिए। उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वह लोग एम्स में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर ब्लड डोनेट करें, क्योंकि अगर हमारे पास ज़्यादा ब्लड रहेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकते हैं। एक अपना एक मतलब ये भी समझता है कि हम ब्लड डोनेशन करें, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएं, और इसलिए हमने ये मेगा ब्लड डोनेशन कैंप शुरू किया है। और मैं हमें सारे फोर्सेस का भारी हूँ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सारे जो लोग आए हैं यहाँ पे, और आप देख रहे हैं कितना रश है और इट इज़ अ वेरी नोबल कॉज। और सर का और बल्कि सारे और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं सबका मैं बहुत आभारी हूँ, इतनी संख्या में आए, ब्लड डोनेशन किया, और ये एक बहुत नोबल कॉज है। बहुत पेशेंट इससे पैदा होगा, चाहे वो एक्सीडेंट के पेशेंट हो, ट्रामा वाले पेशेंट हो, या एनीमिया के पेशेंट हो, सर्जरी के लिए, या वैसे ब्लड की। आज ये मेगा ड्राइव है ब्लड डोनेशन का, ये करते हुए कितनी गर्व की बात होती है कि हमारा एक ड्रॉप ऑफ ब्लड इज़ अ स्टिच इन टाइम, इट कैन सेव लाइफ। एंड ये इतनी बड़ी प्रयास इतनी अच्छी तरह कर रहे हैं, ये सेकंड फेज है। मेरा यू नो शुभकामनाएं, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड दैट द इंस्टीट्यूट जिससे मैं जुड़ी हूँ ये ड्राइव कर रही है। इस भव्य मेगा ब्लड डोनेशन कैंप में पहुंचे सेना के अधिकारियों ने बताया कि आज हमारे फोर्स के जवान करीब 3,000 की संख्या में ब्लड डोनेट कर रहे हैं। हम आम जनता से भी यही अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस मेगा ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लें। जिन लोगों को आखिरी समय में ब्लड की ज़रूरत होती है, अगर हमारे हॉस्पिटल्स में आखिरी समय में ब्लड रहता है और वह किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मिल जाता है तो वह उसके लिए वरदान साबित होता है। ब्लड रहने पर हमेशा जरूरतमंदों की जान बचाई जा सकती है, इसलिए हमें आगे आकर ब्लड को डोनेट करना चाहिए और समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि ब्लड डोनेट करने में हमें कोई हानि नहीं होने वाली है, बल्कि हम कई जानों को बचा सकते हैं। एक शख्स के ब्लड डोनेट करने पर 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। मैं सभी बलों के जवानों को बधाई दूंगा, शाबाशी दूंगा कि वो रणभूमि में ही अपना रक्त नहीं बहाते, अभी तो शांति काल अपना रक्तदान करके कई देशवासियों की जान बचाते हैं, वो बधाई के पात्र हैं और हमारे लिए भी वो एक बहुत बड़े रोल मॉडल है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक नियमित रूप से रक्तदान करें, इससे सभी देशवासी आपस में परस्पर सहयोग करके एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। और जैसा कहा है, रक्तदान महादान। ये बहुत ही अच्छा कैंप है और हर साल की तरह इस बार जैसा आपने कहा इसका रूप थोड़ा और बड़ा है। यहाँ पे जवान डोनेट कर रहे हैं, ये सभी फोर्सेस का और खासतौर पर बॉर्डर पुलिस फोर्स के जो हमारे जवान हैं वो सीमा पे मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ इस कोरोना काल में अपने देशवासियों की भी मौत लिख रहे हैं। ब्लड डोनेशन बहुत ही नोबल काम है और यहाँ बढ़ चढ़ के सब शुभेच्छा से यहाँ पर डोनेट करने आए हैं, उनका जोश देखते ही बनता है। मेरा आम जनता से यही कहना है कि जिस प्रकार से अर्धसैनिक बल बढ़ चढ़कर हम लोग हर साल इस प्रोग्राम में, लास्ट ईयर भी हमने हिस्सा लिया था और 3,000 के आसपास ब्लड डोनेशन सिंगल डे में हुआ था, इस वर्ष भी हम लोग उसी तरीके से आगे आए हैं। मैं स्वयं सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर का डिप्टी डायरेक्टर भी हूँ छतरपुर वाले के, आज मैं वहीं से यहाँ पर ड्यूटी के लिए आया हूँ और मैं स्वयं रक्तदान कर रहा हूँ। मेरा लोगों से ये कहना है कि जनता को अवश्य रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा महादान कुछ नहीं है।
गौरतलब है कि देश के कोने कोने में इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप के आयोजन किए जाते रहते हैं और इस आयोजन से लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है ताकि लोग बढ़ चढ़कर इस तरह के रक्तदान शिविर में हिस्सा लें और अपना रक्तदान करें। इसी कड़ी में इस रक्तदान कैंप का भी आयोजन किया गया। दिल्ली से अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।